गाइस फर्स्ट टाइम विवान फ्यूजन ऑन BMW। हे गाइस दिस इज योर विवान एंड वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस आप देख सकते हो आज मैं राइड कर रहा हूँ विद दिस GS310 फ्रॉम BMW एंड इट बिलोंग्स टू इंदिरा दा। सो गाइस आज जस्ट इंदिरा दा ने मुझे कॉल किया एंड ही ऑफर्ड मी अ शॉर्ट राइड विथ हिम द GS310। इज अ ट्रिमेंडस ADV, ग्रेट एडवेंचर मोटरसाइकिल इन दिस सेगमेंट एंड विथ दिस पॉकेट रॉकेट, मिनी पॉकेट रॉकेट, द मास्टर ऑफ टॉर्क। एक बात तो है, ये MT-15 इज़ वेरी ईजी टू मैनूवर ओवरटेकिंग में एंड ईजी टू zigzag गाइस। वेरी लाइट मशीन एंड एज वेल एज वेरी पावरफुल 155 cc। भाई मतलब अंदर से ना बिलीव नहीं हो रहा कि सामने द GS310 इज रनिंग। भाई भाई कसम से, मतलब कांट इवन कैच दैट BMW इससे। मतलब पावर देख रहा हूँ, मतलब जा रहा है, मतलब आई एम ऑन 6th gear, द स्पीड इज ऑलमोस्ट 90। MT लेके तो कसम से मतलब इसके साथ तो कंपटीशन नहीं हो सकता। आई कांट इवन कैच द GS गाइस, देख रहे हो गाइस कसम से। मतलब फोटो से ज़्यादा ये लाइफ में बहुत ज़्यादा बिग मशीन लगता है कसम से। फाइनली द GS लाइट देख रहे हो, आई थिंक मिरर में दिख रहा होगा लाइट। कसम से जो लुक है ना गाइस इसका एंड द कलर, द वाइट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड द गोल्डन USD इज मतलब ऑसम लुक है GS का कसम से। तो थोड़ी देर हम और थोड़ा आगे जाएंगे एंड एक जगह पे हॉल्ट करेंगे। स्टे ट्यून गाइस, स्टे ट्यून, आज का ब्लॉग एकदम डेंजरस होने वाला है, सो मिस मत करो, एंड तक देखना ब्लॉग। ओके बनी ओ माय गॉड, सी द मशीन गाइस, द ब्लू कलर, द वाइट एंड द रेड कॉम्बिनेशन, क्या है गाइस, BMW इज BMW। गाइस आज का ब्लॉग में कोई गलती ना हो मैं यही प्रे कर रहा हूँ, क्योंकि अगर घर जाके मुझे पता चला था माइक वॉज नॉट वर्किंग, वीडियो फुटेज सही से नहीं आया, एंगल सही नहीं था, तो भाई कितना बड़ा लॉस होगा आज मेरा कसम से। मतलब अंदर से एंजॉयमेंट समझ रहे हो, मेरा अंदर से खुशी समझ रहे हो, द मतलब द GS310 इज इन फ्रंट ऑफ मी गाइस, समझ रहे हो गाइस। डेफिनेटली मैं ओ इट्स हॉरेबल गाइस, सीरियसली द ब्रेक वॉज ऑसम। फाइनली द BMW GS310, ओह माय गॉड गाइस, रियली अ बिग मशीन। ओके सो गाइस लेट्स स्टार्ट द बिल्ड। ओहो लेट्स गो, सो गाइज फाइनली आई एम राइडिंग द BMW GS310। ऑसम एक्सपीरियंस, वेरी कंफर्टेबल पोजिशन है गाइज एंड द मीटर कंसोल इज वेरी इंफॉर्मेटिव, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, बाद में मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा आप सबके लिए। सो गाइज इन्जॉय द राइड गाइज, जस्ट इन्जॉय। ओ एंड मतलब
इंजन इज वेरी स्मूथ, मतलब अब प्रॉपर इसका एग्जॉस्ट नोट है एंड इंजन का भी एक प्रॉपर स्मूथ डिसेंट नॉइज है कसम से। मतलब जो एक्सपीरियंस है ना गाइस, मतलब वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है गाइस। मतलब आज तक कभी मैंने इतना बड़ा बाइक मैंने आज तक नहीं चलाया एंड द एक्सपीरियंस इज वेरी ऑसम। मतलब एकदम आप एकदम सीधा बैठते हैं इसमें, एकदम स्ट्रेट, मतलब पूरा एकदम कमांडिंग पोजिशन मिलता है आपको इसमें एंड वाओ। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं एंड आई एम जस्ट इन फिफ्थ गियर एंड जस्ट यू लुक गाइस, आई एम इन, होप सबको दिख रहा होगा, इन 48 एंड फिफ्थ गियर एंड जस्ट सी गाइस जो पावर आपको सडनली इसमें मिल रहा है। मतलब मैं इसको ज़्यादा हाई रेव नहीं करूँगा क्योंकि आई एम नॉट हैबिचुएटेड टू लाइक दिस बिग एडीवीज, सो आराम से मैं चलाऊँगा, थोड़ा सा राइड करूँगा। आज मैंने सोचा था कि मैं इसके लिए एक परफेक्ट डेडिकेटेड ब्लॉग भी बनाऊँगा बट आज नहीं हो पाया क्योंकि मौसम सडनली थोड़ा ख़राब हो गया एंड बारिश होगा अभी थोड़ी देर में। सो अभी हम लोग वापस घर जा रहे हैं गाइज। BMW इज़ BMW गाइज। इन फ्यूचर अगर मतलब उस काबिल हो जाएगा इस तो डेफिनेटली अब BMW रहेगा गैराज में, ये तो कंफर्म है। मतलब इंजन, द राइडिंग पोजीशन, ओह हो गाइस, मतलब वर्ड्स नहीं है आगे मतलब बताने के लिए कि मतलब ऑसम। BMW मीन्स ऑसम गाइस, क्योंकि इसको मैं जज नहीं कर सकता, इसको मैं किसी और बाइक के साथ मैं इसको कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि दिस इज द गॉड, इज द फादर ऑफ एवरी मशीन गाइस, इज द GS। ओके, तो इसका मैंने एक चीज़ मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा लगा, मतलब इसका जो क्लच है, आपको फुल क्लच सिस्टम है इसमें, मतलब क्लच थोड़ा सा छोड़ने में जो गाड़ी जो सडनली आगे जाता है वो इसमें आपको नहीं मिलेगा, आपको फुल क्लच सिस्टम इसमें आपको मिलता है। सो कुछ कुछ चीज़ आई थिंक पता नहीं शायद कुछ गलती हो रहा है मुझे चलाने में क्योंकि आई एम राइडिंग फर्स्ट टाइम दिस BMW GS। मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब हाइट देख रहा हूँ कसम से, कितना ऊँचा मैं बैठा हूँ कसम से। ब्रेक्स आर वेरी स्मूथ, मतलब जस्ट थोड़ा सा टैप एंड बाइक इज जस्ट स्टॉप, बाइक वेरी पावरफुल ब्रेक्स। मैं थोड़ी देर पहले MT का तारीफ कर रहा था बट उसके आगे तो मतलब कुछ नहीं है, दिस इज़ अ रियल डैडी। सो आपको अगर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए ऑन दिस BMW GS तो प्लीज़ कमेंट मी इसके लिए और मैं आगे प्लान करूँगा लॉन्ग राइड विद भैया एंड और थोड़ा मैं ग्रुप बढ़ा के मैं ट्राई करूँगा कि एक बहुत ही अच्छा राइड वीडियोस मैं आप सबके सामने लेके आऊँ। आगे बहुत अच्छा अच्छा वीडियोस आने वाला है चैनल में, सो स्टे ट्यून एंड अगर आप नए हो मेरे चैनल में सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो वीडियो। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए #BMW ride safe, stay safe, tata, just enjoy guys, enjoy.